मैं आज हम एग्जाम सेंटर पर लाइव हो चुके हैं। रिपोर्टिंग टाइम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को इन अभ्यर्थियों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि कितने बजे क्या रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। यहाँ पर कई अभ्यर्थियों को क्या एडमिट कार्ड तो मिल जाते हैं, लेकिन वो देखते नहीं कितने बजे आना है। फिर वो एंट्री के बाद पहुँचते तो बहुत सारी समस्याओं का उनको यहाँ पर समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ जाती है। तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे ये सभी अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि सर भाई आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर सिंह आजाद। कहाँ से आए अभी आप? हम ग्वालियर से आए। आपका नाम क्या अभी? मेरा ब्रजेश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? लारस के रहने वाले। आप कहाँ से रहने? गया प्रसाद हमीरपुर जिला। आप कहाँ से भैया? मुलायम राजपूत गोरमी के पास। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कि इंट्री के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंट्री की प्रोसेस होती है स्टार्टिंग में, वो आप मेरे को आइए जरा आगे एंट्री की प्रोसेस के बारे में बताइए मेरे को। कितने बजे क्या इंट्री का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है? 3:30 बजे। नहीं नहीं, अभी अभी मॉर्निंग में आपका सेक्टर कौन सा? नहीं, हम शाम मीटिंग में हमारा पेपर का है। सुबह के सेक्टर में किसका है तुम्हारा? आ जाओ, तुम बताओ, आ जाओ। कितने बजे एंट्री होगी भाई आपकी? 7:30। 7:30 पे एंट्री होगी आपकी। और डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे? डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड लाना है, उसके साथ में अपना आई कार्ड मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो। अच्छा, तो आपको पैन कार्ड, एक आईडी चाहिए, आईडी प्रूफ, और अगर आधार कार्ड तो आधार कार्ड चल जाएगा, 2 फोटो चल सकता है, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, और एडमिट कार्ड कंफर्म है। और 7:30 बजे से एंट्री का टाइम है। और कितने बजे तक चलने वाली है एंट्री? एंट्री 8:30। 8:30 तक एंट्री ये चलने वाली है। तो सभी अभ्यर्थी बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल भी लापरवाही न दें, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान भी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर 1 मिनट की भी राहत नहीं दी जाती। जहाँ पर मेरे सामने कई अभ्यर्थियों को भगा दिया गया था, इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल फिक्स टाइम से पहले आएँ, ठीक है? और जाना पड़ेगा, पेपर नहीं देने को भगा देंगे। और जहाँ पर वैसे तो जो अपना जो आयोन डिजिटल जोन है, यहाँ पर सुविधाएं हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, जहाँ पर आसपास हैं ऑनलाइन वाले खड़े हुए हैं, मतलब सुविधाएं तो हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है घर से रेफर करके आएँ, जाके यहाँ पर कोई आपको समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी क्या प्रिपरेशन रही है अभी तक, मतलब एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, तो जानने का प्रयास करेंगे कैसा क्या है, कैसी क्या तैयारी, आपको कैसा लग रहा है आपको? तैयारी बहुत समय बाद एग्ज़ाम हो रहा है यार। तैयारी तो ठीक है, एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ है, 2019 में फॉर्म भरा गया था, जब से अब एग्ज़ाम हो रहा है। अच्छा, 3.5 साल के करीब हो गए हैं। 3.5 साल के करीब हो चुके हैं और अब एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो मनोबल था वो उतना नहीं रह पाया, मतलब अब उतना एक्साइटमेंट नहीं है, बस ये है कि एग्ज़ाम देने आ गए हैं कई अभ्यर्थी, ये समझ लो आप। तो देखते हैं क्या कंपटीशन का लेवल रह सकता है, क्योंकि जानने का प्रयास करेंगे कैसी क्या तैयारी है, बताइए जरा। तैयारी ठीक है, तैयारी अब देखो पेपर देख के पता लगेगा कैसा पेपर आ रहा है। तो भैया से मैं पूरी जानकारी, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी से मैं रिव्यू लूँगा। 10:30 बजे इनका, 10:30 बजे छूट रहे हैं ना, 10:30 बजे बाहर निकले, तो 10:30 बजे सभी से मैं बोल दिया है मैंने, सारा जो भी एग्ज़ाम का एनालिसिस वगैरह होगा पूरा मैं इनसे करने का प्रयास करूँगा। और भी लोग बता सकते हैं कैसी क्या, कहाँ से क्या तैयारी की आपने? हम सर कैलारस से हैं। और काफ़ी तैयारी के लिए कौन सा मीडिया आपने यूज़ किया, यूट्यूब किया या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर? नहीं, कोचिंग से। कोचिंग से? हाँ। अच्छा, बढ़िया काम किया। हाँ सर। चलो, आपकी कैसी क्या तैयारी रही है? हम भी घर में करते रहे तैयारी, पहले करते रहे तो महोबा में, फिर इसके बाद एग्जाम कैंसिल हुआ, पता चल रहा था होगा। पहले कभी एग्जाम दिया था आपने रेलवे का? हाँ, नहीं दिया आपका? नहीं, फर्स्ट टाइम है। चलो, आप लोगों का भाई फर्स्ट टाइम है या? आ जाओ आ जाओ, जरा चलो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइम है आपका? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है, 2018 वाला। पहले आप दे चुके हैं 2018? हाँ जी। कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा था 2018 में? 58 मार्क्स आए थे। हाँ, इलाहाबाद जोन था। तैयारी आपकी इस बार ठीक है? क्या लगता है झंडे गाड़ोगे इस बार? तो गाड़ देंगे पक्का, मतलब बहुत समय भी मिल गया और काफी ज्यादा पर्याप्त समय मिल गया, और उस हिसाब से तैयारी अभी अटेम्प्ट भी तो नहीं करे, इतनी भीड़ तो इतनी लाखों में दिखती थी सेंटर पे। अब वो जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया, फेज में ले रहे हैं, फिर भी भीड़ वगैरह यहाँ पर। तो सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, सभी लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा कि अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे से मेहनत करके आना, अच्छा रिव्यू देना, ताकि और भी जो अभ्यर्थियों के एग्जाम है उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए, आप लोगों से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के एनालिसिस में लास्ट टाइम पर मैं मिलने वाला हूँ, 10:30 बजे सभी लोग जुड़ जाना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।